बीजेपी में पीएम पद के उम्मीदवार पर लगातार हो रही बयानबाजी से पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह नाराज हैं। आज राजनाथ ने बीजेपी नेताओं को ताकीद दी कि वो पीएम उम्मीदवार को लेकर बयानबाजी करने से बाज आए। वैसे अध्यक्ष बनने के बाद राजनाथ इस तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार उनका कहना है कि ये उनकी आखिरी अपील है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह पार्टी के पीएम कैंडिडेट पर रोज रोज की बयानबाजी से थोड़े नाराज दिख रहे हैं। आज राजनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को दो टूक शब्दों में कहा कि पीएम पद पर बयानबाजी बंद की जाए, क्योंकि पार्टी की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में ही लिया जाएगा। प्रधानमंत्री पद के लिए, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए किसी भी प्रकार की बयानबाजी न करें, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट और प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए यदि कोई डिसीजन होता है, प्रोजेक्ट करना, किसको करना, नहीं करना, क्या करना, यह सब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। पार्टी अध्यक्ष को यह बयान तब देना पड़ा जब पार्टी नेताओं की तरफ से कभी नरेंद्र मोदी तो कभी सुषमा स्वराज का नाम लगातार उछाला जा रहा है। इसलिए आज राजनाथ ने पार्टी नेताओं को पीएम पद को लेकर बेवजह बयानबाजी नहीं करने की आखिरी चेतावनी दे डाली। यह जो मैं अपील कर रहा हूं सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से, इसलिए कर रहा हूं कि हमारे जितने भी नेता हैं वो बराबर मर्यादित आचरण करते हैं, और इस प्रकार की बयानबाजी से सबको बेहद तकलीफ होती है। और यह जो आज अपील मैं कर रहा हूं, इसके बाद इस मुद्दे पर दोबारा मैं अपील नहीं करूंगा, यह भी मैं विनम्रतापूर्वक सभी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा। हम आपको बता दें कि पीएम पर बयानबाजी की वजह से ही बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरी बढ़ रही है और एनडीए में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं।